सीएम योगी का फरमान, बहन बेटियों को छेड़ने वालों का होगा काम तमाम। जिस चौराहे पर मंचले करेंगे छेड़खानी, अगले चौराहे पर मिलेगा यमराज। जाने सीएम योगी ने मंचलों को क्यों दिया इतना सख्त अल्टीमेटम। राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुला ऐलान कर दिया, जो बहनों बेटियों की सुरक्षा में सेंधमारी करेगा, उन्हें छेड़ेगा, उन मंचलों को अगले चौराहे पर ही यमराज के दर्शन हो जाने चाहिए। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा में थोड़ी सी भी सेंधमारी करने वाले मंचलों की हरकतें बर्दाश्त नहीं है। ऐसे मंचलों के साथ पुलिस वो करे कि उन्हें यमराज के दर्शन हो जाए। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल सीएम योगी ने यह ऐलान अंबेडकर नगर जनपद में मंचलों की हरकत से हादसे का शिकार होने वाली 11वीं की छात्रा की मौत के बाद किया। आपको बता दें कि बीती 15 सितंबर को अंबेडकर नगर जनपद में 11वीं की छात्रा स्कूल से घर जा रही थी, तभी मंचले शहबाज, अरबाज और फैसल ने उसके साथ छेड़खानी कर शुरू कर दी और उसे बेइज्जत करने के लिए छात्रा का दुपट्टा खींचा, जिसके चलते छात्रा का बैलेंस बिगड़ा और वह सड़क पर गिरी, जिसके बाद वह हादसे का शिकार हो गई। बेटी की मौत के बाद पिता ने मंचलों के साथ पुलिस महकमे पर भी बड़ा इल्जाम लगाया। पिता का कहना था कि मंचले कई दिनों से बेटी को छेड़ रहे थे, इसकी शिकायत पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसी के चलते बेटी की जान भी गई। उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मंचलों ने उसकी जान ले ली। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के तलाशने के लिए टीमें लगाई और बीते दिन आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। अंबेडकर नगर के एसपी अजीत सिन्हा ने बताया कि छात्रा पर हमले के दौरान भागते वक्त पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, तीसरे आरोपी का पैर टूटा है। अधिकारी ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के साथ ही पोस्को एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। लड़की की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में हंसवर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर दिया गया है। फिलहाल मंचलों पर भले एक्शन हुआ, लेकिन कोई बहन बेटी दोबारा मंचलों का शिकार न बने, इसीलिए उन्होंने गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान साफ ऐलान कर दिया कि जो बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध डालेगा, उसको यमराज के जल्दी दर्शन होने चाहिए। सीएम योगी के इस ऐलान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।